नागौर से। सदर थाना इलाके के जोधपुर रोड स्थित चिमरानी के पास चार दिन पहले एक होटल पर युवक के साथ हुई मारपीट एवं फायरिंग मामले में पुलिस ने शनिवार को चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं कुछ आरोपी अभी फरार है। सीओ विनोद कुमार सीपा ने बताया कि चार आरोपियों की पहचान कर आरोपी कर्माराम राम कैलाश हरेंद्र व सहदेव को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि यह हमला पुरानी रंजिश के चलते हुए हुआ है। हालांकि पुलिस यह पता लगा रही है कि दोनों पक्षों के बीच किस बात को लेकर रंजिश हुई थी। मुंडवा तहसील के चिमरानी निवास नगर नरसिंह राम पुत्र कैलाश राम जाट की ओर से रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें बताया कि 3 फरवरी की रात 1:30 बजे उसकी होटल गुरु कृपा पर उसका भाई बलवीर बैठा हुआ था। ठीक उसी समय वहां 3-4 बोलेरो कैंपर में 10-15 लोग बैठकर आए, जिनके हाथों में लोहे की रोड हॉकी सहित पिस्तौल व अन्य हथियार थे। इन लोगों ने आते ही बलवीर पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। वहीं लोहे की रोड व हॉकी से हमला किया। इसमें बलवीर लहूलुहान हो गया और वहीं बेहोश हो गया। इस वारदात के दरमियान पिस्तौल के फायर की आवाज सुनकर वह खुद सुनील अर्जुन राम नींद से जागे, शोर शराबा मचाया। ठीक उसी समय एक युवक ने जब बलवीर को मरा हुआ समझा तो वह वहां से भाग निकला। गंभीर हालात में बलवीर को JLN से ले जाया गया, जहां से उसे रेफर कर दिया गया था।